नमस्कार, स्वागत है आपका भिलवाड़ा हलचल में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। रुक करते हैं आज की कई खास खबरों की ओर। राम मंदिर को लेकर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले और धार्मिक त्योहारों को लेकर भिलवाड़ा में सांप्रदायिक सौहार्द व शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। फैसले के पहले, फैसले के दिन और इसके बाद को लेकर तैयारियां की गई है। जिला कलेक्टर सभागार में कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कहा कि पुलिस प्रशासन और प्रेस के सहयोग से ही शांति और सद्भाव बना रह सकता है और ये तीनों एक दूसरे के मददगार भी हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर ने कौमी एकता बनाए रखने के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी भी दी और सभी से सहयोग बनाए रखने की अपील की। डिस्प्यूट पैदा कर सकता है, आप उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करते और जो विषय को लेकर के दिया जाना है जिस निर्णय को कभी भी आ सकता है। यहाँ के नागरिक भी हैं, इसलिए हमारा ये भी अनुरोध था कि आप सभी लोगों से रूबरू होकर के आपके भी इस बारे में विचार जाने की किस तरीके से और संक्षिप्त रूप में ही इसको लेकर कोई बड़ा चुनाव भी लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हमारा कार्य है। इसमें हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, कोई इनोवेटिव चीज नहीं है। पुलिस और प्रशासन का कार्य है। मैं पिछले एक साल से देख रहा हूँ कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि कई चीज़ों में डिस्प्यूट पैदा कर सकता है, आप उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते और जो अच्छा सभी का आज स्वागत है। आप सभी को हमने बुलाया बड़े शॉर्ट नोटिस पे, आप सब पधारे। विषय गंभीर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है राम मंदिर अयोध्या के केस के अंदर, और हम लोग पूरा प्रशासन, पुलिस, मीडिया की बैठक हुई है और उसमें सभी ने एक साथ इस भिलवाड़ा हमारे ज़िले में अमन चैन शांति और सद्भाव बिल्कुल रहेगा और हमने अपनी आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ की ओर से भिलवाड़ा जिले की हजारों आशा सहयोगिनियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। संघ के संयोजक प्रभाष चौधरी ने राज्य सरकार पर चुनाव के समय घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को थोती बताते हुए सरकार पर वादे से पलटने का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा कि आशा सहयोगिनियों को 200 रूपये बढ़ाकर सीएम ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। केंद्र सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणा कर आशाओं द्वारा किए जा रहे 64 कार्यों में से केवल 5 कामों को में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया है। मानदेय के नाम पर आशाओं को सरकार 2700 रूपये देकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। संघ की जिलाध्यक्ष शीला सेन और महामंत्री सीता सोनी ने सरकार पर शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि आशाओं को सरकार ने सैंडविच बना दिया है जो दो विभागों के बीच पिस रही है। उन्होंने कहा कि आशाओं को 18,000 रूपये मासिक वेतन, स्थायीकरण, पेंशन व पदोन्नति भी दी जाए। अगर सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं की गई तो आशा सहयोगिनी आंदोलन करेंगी। कर्मचारी हमारी नारी शक्ति है। आज आशा सहयोगी कर्मचारी संघ जो भारतीय मजदूर संघ का एक अनुसंगिक संगठन है, इनकी बहनें पूरे जिले से आई है। इन बहनों की मांग जो है वो एक तो स्थायीकरण की है, दूसरा ये कि 64 तरह के काम हमसे ले रही है तो राज्य सरकार हमको स्थायी करे और जब तक स्थायी नहीं करते तब तक न्यूनतम वेतन हमको 18,000 रुपये दे। भिलवाड़ा के राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महासचिव को पात्रता पूरी नहीं कर पाने पर अयोग्य घोषित करने के प्रचार्य के आदेश पर कालिख पोतने के बाद कॉलेज में बवाल मच गया। मामला पुलिस तक पहुंचा और अंतिम निर्णय एमडीएस यूनिवर्सिटी पर छोड़ते हुए समझौता हो गया कि अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। बवाल के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज की चर्चा भी रही लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया। नाम लिखा उस पर कालिंग खोदी गई थी, मैंने कॉलेज प्रशासन से पूछा, सामाजिक तत्वों द्वारा कॉलेज दीवार के ऊपर कालिंग खोदी गई थी तो मैंने कॉलेज प्रशासन से पूछा कि किसने पोती, तो कॉलेज प्रशासन ने नहीं बताया कि किसने पोती, किसने नहीं बताया। सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए, ये पूरी योजना बंद तरीके से पूछा गया कॉलेज प्रशासन की मिली भगत से। मेरा पूर्ण मूल्यांकन में पास हो गया हूँ और मैं छात्र संघ अध्यक्ष पद पर बना रहूंगा। कॉलेज के अंदर तालाबंदी करके
देने व मौखिक रूप से जताने के बावजूद बिना स्वीकृति निर्माण कार्य करने पर भिलवाड़ा नगर परिषद ने शुक्रवार को वीर सावरकर चौक स्थित एक कॉम्प्लेक्स को सीज किया है। नगर परिषद द्वारा शहर में पहला कॉम्प्लेक्स सीज करने की कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई और पहला कॉम्प्लेक्स सीज होने के बाद अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। आयुक्त ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, इसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। क्या है कि हरीश कुमार पिता श्री चालू भिलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश ने डोडाचूरा तस्करी के 3 आरोपितों को 12-12 साल की सजा के और 1-1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने कहा कि पुर थाने के तत्कालीन कार्यवाहक प्रभारी महफूज अहमद ने 6 मई 2017 को पुर ओवर ब्रिज के नीचे नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू करी की। इस दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से आए एक डंपर को पुलिस ने रोका। पुलिस ने डंपर की तलाशी ली तो उसमें 23 कट्टों में 576 किलो डोडाचूरा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकाश जाट को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद 3 आरोपितों को 12-12 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। इंसान महफूज अली 6/5/2017 को नेशनल हाईवे 79 पर नाकाबंदी कर रहे थे। उस वक्त एक डंपर को रुका कर चेक किया, उसमें 576 किलो डोडाचूरा बरामद किया। डंपर चालक प्रकाश निवासी लेसवा को मौके से गिरफ्तार किया। अनुसंधान में गजेंद्र सिंह जी ने मदन निवासी आर्य और किशन निवासी तखतपुरा जो डंपर मालिक था उनको। चित्तौड़गढ़ के पास से गुजर रहे कोटा बाईपास हाईवे पर आरटीओ विभाग के दस्ते द्वारा ट्रकों को रोक कर वसूली की मांग के अविरोध में लगभग 2 घंटे तक हाईवे जाम रहा। आरटीओ दस्ते ने एक ड्राइवर को रोक कर उससे 1500 रुपए की मांग की तथा नहीं देने पर उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल व 25,000 रुपए छीन लिया। उक्त ड्राइवर के इस आरोप के बाद मौके पर ड्राइवरों ने जाम लगा दिया तथा आए दिन हो रही वसूली का विरोध किया। मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची, ट्रक ड्राइवर से मामला दर्ज कर उसका इलाज करवाने का आश्वासन देने के बाद लगभग 2 घंटे बाद जाम खुला। एंट्री देके जाओ 1500 रुपए। हमने बोला एंट्री तो हमारे पास नहीं है, गाड़ी अंडर लोड है दोनों गाड़ी, और चालान कर दो आप। अगर कोई भी दिक्कत में या अंदर ओवरलोड है तो चालान कर दो। ओवरलोड है नहीं हमारी गाड़ी में, 25-25 टन वजन है, चाहे तो कांटा पर्ची दिशा दिखा सकते हैं। तो उन्हें मैं सीट से खींचा और मारा। अच्छा, कितने मामला ये है कि थाने में सूचना मिली कि ये कोटा चित्तौड़ हाईवे पे कुछ ट्रक रुके हुए हैं। जाम लगा जहाँ पर मौके पर जहाँ पर देखा थे एक ड्राइवर था जिससे अच्छी चोट लगी हुई थी, जिसको जानकारी करी कि तो फिर उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया और बाद में ये पता लगा कि आरटीओ वाले में उनके साथ में कुछ पति हो सकता है, तो उसके बारे में रिपोर्ट ली जाएगी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के साथ और जल्द ही मिलेंगे आगे की खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। भीलवाड़ा जिले की कछोला थाना पुलिस ने ट्रक में मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाया जा रहा 10 क्विंटल डोडा चूरा बरामद कर चालक खालसी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर 13 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया है। जहाजपुर थाना प्रभारी हरीश सांकला ने कहा कि कछोला थाना पुलिस ने लक्ष्मणगढ़ चौराहे पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली। इस दौरान मंडलगढ़ की ओर से आए एक ट्रक को पुलिस ने रोका और तलाशी ली, जिसमें 10 क्विंटल डोडा चूरा पाया गया। 7/11 को थाना अधिकारी कछोला श्री रतनलाल जी मैं जाप्ता द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक RJ06GA3733 आता हुआ नजर आया, जिसको रोका। शंका होने पर उसको चेक किया तो उसके अंदर लहसुन प्याज और अजवाइन भरी थी। नाम पता पूछा तो एक व्यक्ति ने ट्रक चालक ने अपना नाम मदन लाल बताया और दूसरा जो व्यक्ति पास बैठा उसने सामेश्वर बताया। दोनों ही भिलवाड़ा नगर परिषद की अनदेखी के चलते सर्किट हाउस के पास स्थित नाले में आए दिन मवेशियों के नाले में गिरने के बावजूद अब तक वहां ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। वही परिषद की आक्रमणीयता को देखा जाए तो नाले में 2 दिन पहले एक गाय गिर गई और परिषद को कोई जानकारी तक नहीं मिली। शुक्रवार को गाय के नाले में पड़ी होने की सूचना के बाद गौरक्षक सोनू माली मौके पर पहुंचे और अन्य गौरक्षकों के वह नगर परिषद की सूचना दी। इस पर गौरक्षक और नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गाय को नाले से निकालकर पशु चिकित्सालय पहुंचाकर इलाज करवाया। शाहपुरा ब्लॉक क्षेत्र के तसवारिया बासा में तसवारिया बासा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के 6 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भीलवाड़ा डेयरी की उपप्रबंधक आशीष शर्मा ने फीता काटकर अनावरण कर किया। इस दौरान सनगरी समिति व तसवारिया बासा डेयरी के दुग्धदाताओं को 50 लाख रुपए की अंतर दर राशि का वितरण भी समारोह पूर्वक किया गया। दोनों समारोह में मुख्य अतिथि भीलवाड़ा डेयरी की उपप्रबंधक आशा शर्मा रही। समारोह को संबोधित करते हुए भीलवाड़ा डेयरी की उपप्रबंधक आशा शर्मा ने कहा कि भीलवाड़ा डेयरी के चेयरमैन रामलाल जाट ने दोनों समितियों के सदस्यों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि दुग्धदाताओं को समय की मांग के अनुरूप उत्तम नस्ल के पशुओं का पालन प्रारंभ कर दुग्ध व्यवसाय को बढ़ाने का आह्वान किया है। भीलवाड़ा जिले के छीतर सिंह का खेड़ा गांव की एक विवाहिता की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परोली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तुझे बता नहीं यार, वो सारा काम कितना तो सही बना तो मैं दूंगा। कस्बे के निकटवर्ती चावड़िया गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारियां दी गई। भारत सरकार द्वारा आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला शक्ति केंद्र भीलवाड़ा महिला कल्याण अधिकारी सुमन तिवारी ने आज चावड़िया विद्यालय में छात्रों को गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जैसा कि आजकल हमें पता है कि बालिकाओं के लिए मतलब छोटे बालकों में यौन शोषण की घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही है। आए दिन अखबारों में भी अखबार भी अगर मैं कहूं कि रंगे पड़े हुए ऐसी घटनाओं से तो वो गलत नहीं होगा। तो इसी के तहत महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत भीलवाड़ा में हमने एक अभियान चला रखा है, गुड टच और बेड टच अभियान।
इस अभियान के अंतर्गत हम सभी स्कूलों में जाकर और जिसमें हमने 171 बालिका विद्यालयों का तो चयन किया ही है, उसके अलावा भी अगर उस गांव में कोई और भी स्कूल पढ़ती है तो वहां की बालिका सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती चावड़िया गांव में आयोजित हरी बोल प्रभात फेरी में तुलसी विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आसपास के गांव हरी बोल प्रभात फेरियों का महासंगम उमड़ा। इस दौरान चावड़िया चारभुजा नाथ से भगवान की शालिग्राम की बारात बैलगाड़ियों से रवाना हुई, जो गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण करते हुए शाम को पंडाल में पहुंचेगी। भिलवाड़ा के मलाण में शुक्रवार को सालिग्राम बड़ पीपल से विवाह करने पहुंचे महिला मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिला पुरुष भाग लेने पहुंचे। पूर्व पार्षद भैरूलाल भड़ाना ने कहा कि महिला मंडल की ओर से आयोजित किए जा रहे इस आयोजन में चारभुजा नोहर व चारभुजा मंदिर में विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खामोर गांव में 3 दिवसीय कार्यक्रम में तुलसी सालिग्राम विवाह एवं कलश स्थापना और अखंड रामचरितमानस पाठ की पूर्णाहुति एवं पंचकुंडात्मक विष्णु यज्ञ में गुरुवार शाम नानीबाई के मायरे का समापन हुआ। 3 दिवसीय महायज्ञ के इस कार्यक्रम में रोज अलग अलग जोड़े अपने धार्मिक एवं आध्यात्मिक शांति के लिए विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण से यज्ञ में आहुतियां देते हैं। का खेड़ा में संचालित श्री नवग्रह आश्रम परिसर में शुक्रवार को देवउठनी एकादशी के मौके पर भगवान श्रीनाथ व श्री चारभुजानाथ के मंदिर का निर्माण कर वहां मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया गया। विद्वान पंडितों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार व अनुष्ठान के साथ धार्मिक रीति रिवाजों के साथ दोनों मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई गई। मुख्य यजमान आश्रम संस्थापक हंसराज चौधरी ने पूजन व अनुष्ठान को संपादित कराया। भूरभुवस्वः बोलिसं मम श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त वेदोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त पुण्य पुण्य फल फल प्राप्ति प्राप्ति अर्थम अर्थम धर्म धर्म अर्थ अर्थ काम काम मोक्ष मोक्ष चतुर्विध चतुर्विध पुरुषार्थ पुरुषार्थ प्राप्ति प्राप्ति अर्थम अर्थम आदि दैविक फिलहाल इस ब्रेडिंग में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए भिलवाड़ा हलचल। नमस्कार।